हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज के कास्ट आयरन के फ्राई पैन के बारे में। ये फ्राई पैन काफी ज्यादा यूनिक है और मैं आपको बता दूं इसकी डेप्थ इतनी प्यारी दी हुई है कि आप इसको रेगुलर बेसिस में कहीं भी यूज कर सकते हैं और जो वेट बैलेंस इसका मिलता है वो भी काफी लाजवाब है, जो कि आज इस वीडियो में मैं हर एक बात आपको डिस्कस करूंगा। और उसी के साथ साथ अगर आप प्रेस्टीज की कास्ट आयरन रेंज परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से आप इसकी कढ़ाई, फ्राई पैन, तवे और ग्रिल पैन परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं ये मिलता है लाइफ टाइम वारंटी के साथ। यहां पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है और उसी के साथ साथ काफी सारे आयरन के बेनिफिट्स भी इसमें मिल जाएंगे। ये गैस इंडक्शन कंपैटिबल होता है, ये कंप्लीट जो ट्रेडिशनल कुकवेयर रेंज है इसको चलिए पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। ये जो फ्राई पैन हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये 200 mm का है, जस्ट 20 cm का फ्राई पैन है, जो कि हर घर की एक कह सकते हैं बहुत कॉमन नीड है। और अभी तक आपने कास्ट आयरन नहीं यूज किया है तो ये ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो फर्स्ट टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कास्ट आयरन यूज करने से डरते हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि कास्ट आयरन को इस तरीके से यूज किया जाता है, इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो आप ये एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो आप फर्स्ट टाइम अपने लिए ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इसका जो साइज दिया हुआ है उसका डायमीटर जो है वो 200 mm है, लगभग 20 cm है। बट मैं आपको बता दूं जितने भी फ्राई पैन आप 20 cm के देखते हैं वो इतने ज्यादा डीप नहीं होते। अगर इसकी डीपनेस की बात करता हूं तो देखिए इतना ज्यादा ये डीप आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी चीज आप कुकिंग कर सकते हैं। इसमें सॉटे वेजिटेबल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्लेवर के साथ मिलती है और ये आपको नेचुरल नॉनस्टिक का काम करता है। कोई भी केमिकल कोटिंग इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलती है। आपको खुद अपनी ऑयल की एक बार सीजनिंग, एक दो बार जब अच्छे से सीजनिंग कर लेंगे तो एज ए नेचुरल नॉनस्टिक ये काम करता है। और रेगुलर यूज इसको अगर करते रहेंगे तो इसकी सीजनिंग और भी ज्यादा बेहतर होती है, इसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देगी। बस इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको मिल जाती है दोनों तरफ से, आपको यहां पे पोर करने के लिए नॉचेस मिल जाती हैं जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कुकवेयर देखने के लिए लगता है। अगर आपको देखना है ये प्रेस्टीज का ओरिजिनल है तो यहां पे ये बैक साइड में अगर इसको करेंगे तो यहां प्रेस्टीज की मार्किंग मिल जाएगी, कास्ट आयरन कुकवेयर लिखा रहेगा और साथ ही साथ यहां पे ये देखिए कास्ट आयरन यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे बैच नंबर के साथ भी यहां पे कंप्लीट दिया हुआ है। ये इंडक्शन कंपैटिबल बेस होता है और उसी के साथ साथ अगर इसका कंप्लीट लुक आप देखना चाहते हैं तो एक बार आपको डिटेल में इसका कंप्लीट लुक भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हैंडल्स देखेंगे तो काफी ज्यादा मजबूत हैंडल्स हैं। एक चीज और मैं हैंडल के बारे में अगर बताऊं तो यहां पे देखिए प्रेस्टीज की मार्किंग भी आपको मिल जाती है और ये स्टे कूल हैंडल नहीं होते हैं। जब भी आप कुकिंग करेंगे तो ये हैंडल गर्म हो सकते हैं, तो इसकी अगर आप ग्रिपिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी बाय लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि जनरली जितने भी कास्ट आयरन आते हैं उसके हैंडल्स गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी ग्रिप या किसी कपड़े या किसी भी क्लॉथ के जरिए इसको पकड़ना पड़ता है। हालांकि ये जो आपको मिलता है काफी अच्छे लुक और टेक्सचर में मिल जाता है, नेचुरल नॉनस्टिक होता है और उसी के साथ साथ इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं, जो कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं इसकी गारंटी और वारंटी की। तो यहां पे ये आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है जिसमें सामने की तरफ सारे कुकवेयर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे और इन जितने भी कुकवेयर्स हैं, जैसे कि अगर आपको डोसा तवा लेना है, रोटी तवा लेना है या इसका ग्रिल पैन या फ्राई पैन, इससे बड़ा फ्राई पैन चाहिए हो तो वो 250 mm का आता है, 25 cm का होता है, वो भी इसका भी बाय लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो कि काफी अच्छे रेट में आपको मिल सकता है। अगर इसकी बात करते हैं वारंटी कार्ड की तो इसमें मिलती है लाइफ टाइम वारंटी, जिसमें यहाँ पे हाउ टू यूज भी अंदर आपको दिया रहता है और उसी के साथ साथ ये वारंटी कार्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग इसकी जो न्यू प्राइसिंग है वो 1380 रुपये है, बट अगर आप इसको अभी परचेज करेंगे तो हो सकता है कि इसमें काफी लाजवाब आपको प्राइसिंग भी मिल जाए, बिलो 1000 की प्राइसिंग आपको मिल सकती है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी चॉइस है अगर एक फ्राई पैन की बात करते हैं। तो इसमें दो साइजेस अवेलेबल होते हैं, एक मिलता है 250 mm का और एक मिलता है 200 mm का। अब ये आपकी चॉइस है कि आपकी यूटिलिटी कैसी है। अगर स्मॉल साइज का डीप फ्राई पैन लेना है तो इससे अच्छा ऑप्शन और इससे ज्यादा हेल्दी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर इसकी अगर कह सकता हूं कि कोई भी चीज अच्छी होती है, नेचुरल होती है और हेल्दी होती है, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर मैं कास्ट आयरन की बात करता हूं, सिर्फ प्रेस्टीज नहीं किसी भी कास्ट आयरन की बात करता हूं, तो दो तीन ड्रॉबैक्स इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये होता है कि ये कास्ट आयरन के यूटेंसिल होते हैं
काफी हैवी होते हैं। जैसे कि अगर इसका मैं अगर वजन करके दिखाऊं, इसको जरा सा वेट करके भी दिखाऊं, तो यहाँ पे ये वाला कास्ट आयरन, हालांकि इसका वेट बैलेंस फिर भी बहुत अच्छा है अगर मैं किसी ब्रांड से कंपेयर करूं, बट यहाँ पे अगर इसको वजन करके भी दिखा देता हूं, तो यहाँ पे अगर इसको वेट करता हूं, तो ये आपको 1 kg 550 grams का मिलता है। मतलब ये लगभग 1.5 kg के आसपास का इसका वजन है और छोटा सा फ्राई पैन है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि ये काफी ज्यादा वजन में होता है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा वजन वाले यूटेंसिल यूज करने में परेशानी होती है उनके लिए ये इश्यूज हो सकते हैं, बट जो लोग थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट यूटेंसिल है। उसी के साथ साथ काफी देर तक ये हीट रिटेन रखता है, जल्दी गर्म होता है। इसमें अगर आपको लगता है कि वेट की वजह से ये जल्दी हीट नहीं होता, नहीं, ये बहुत अच्छी तरीके से जल्दी हीट हो जाता है और काफी देर तक इसमें हीट रिटेन भी रहती है। उसी के साथ साथ अगर मैं इसकी प्राइसिंग भी आपको दिखाऊं तो एक जेन्युइन प्राइसिंग है। दूसरा तीसरा ड्रॉबैक जो इसमें मिल जाता है वो ये मिलता है कि इसके साथ साथ इसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसको लिफ्ट करना कुकिंग के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रिपिंग की जरूरत होती है। काफी सारे ब्रांड्स इसमें ग्रिपिंग देते हैं, जिसका भी बायलिंग मैंने आपको नीचे दे दिया है। अगर अदरवाइज अगर ये आप परचेज कर लेते हैं इसका, ये या तवा कोई भी चीज आप परचेज कर लेते हैं, तो उसका एक अलग से ग्रिपिंग आती है, जिसका बायलिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ड्रॉबैक आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसको आप ओवन में भी यूज कर सकते हैं, इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं, हॉटप्लेट पे भी यूज कर सकते हैं, और इसको आउटडोर कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बॉनफायर या किसी भी तरीके का बारबेक्यू करते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और यूजफुल यूटेंसिल आपके लिए ये रहा। अगर इसको आप खरीदना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ कि बायलिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अच्छी बुरी बातें सारी हैं, बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत हेल्दी कुकवेयर है, इसीलिए हर ब्रांड कास्ट आयरन की यूटेंसिल अपनी तरीके से और एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए निकाल रहा है। तो प्रेस्टीज की तरफ से ये कास्ट आयरन ये रहा, बाकी रेंज ये है। और इन सब के रेंज के बारे में अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें हर एक प्रोडक्ट की अलग वीडियो आपको मिल जाएगी जो भी आपको परचेज करनी है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये फ्राई पैन काफी ज्यादा बेहतर है, अगर कास्ट आयरन का फर्स्ट टाइम यूजेज आप करना चाहते हैं तो ये मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि इस टाइप का फ्राई पैन आप जरूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।